हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहलाग अटक झटक पहाड़ यूट्यूब चैनल में मैं बिरगुरथवाल हिल स्टेशन बिरथी फॉल से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो यार दोस्तों, आज के व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है दिन में से, और अभी भैया दिन के बजे हैं 12:30। तो अभी मैं आ रहा हूं शॉप से, और क्योंकि मॉर्निंग पे मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था ब्लॉग बनाने का, फिर शॉप पे कुछ लोग आ गए थे तो उनके साथ थोड़ा बहुत बिजी थे तो ब्लॉग बनाने का समय नहीं मिला। तो अभी मैंने दिन से ब्लॉगिंग की शुरुआत कर दिया है, और आज भैया करवा चौथ। तो मेरे YouTube फैमिली में जो भी शादीशुदा जोड़ा है या फिर कपल्स हैं, आप सभी को करवा चौथ की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। तो बाकी क्या ही कहे वीर, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है बिगड़े हुए मौसम के साथ, क्योंकि भाई मौसम बिगड़ चुका है और पहाड़ों में अब ठंडक भी बढ़ चुकी है और अभी हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। आपको मेरे चश्मे में कुछ पानी की बूंदें आपको देखने को मिल रही होंगी, लेकिन हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। तो बरसात स्टार्ट हो गई है, नहीं बरसात नहीं, बारिश स्टार्ट हो गई है, बरसात तो ख़त्म हो गई है। और आज का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही ज़बरदस्त, लाजवाब, आसमान पूरा ही पैक्ड है। तो इसी खूबसूरत से दिन के साथ आज के व्लॉगिंग की शुरुआत करते हैं, तो देखें क्या रहते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा खूबसूरत सा गांव और वाटरफॉल यहाँ पे है। अभी तो पेड़ों से दिख नहीं रहा है लेकिन है। और ये देखो भाई, और खेतों पे ना आजकल सब लोग हल जोतने का काम कर रहे हैं ताकि आने वाले 10-15 दिनों बाद बीज बो सके, गेहूं बो सके, जौ बो सके। तो दिन का समय है और खाना हमने खा लिया, तो खाना खाने के लिए ही मैं घर आया हुआ था। अब चलते हैं फिर से शॉप की तरफ। मौसम की अगर बात करें तो आसमान बड़ी खतरनाक तरीके से गरज रहा है, और बाबू यहाँ पे मस्त बैठे हैं, इजा ज्योति यहाँ पे हैं, गीतुल यहाँ पे फोन में मस्त रील देख रही है, और मौसम कुछ ऐसा है। तो चलो एक बार फिर से शॉप की ओर जाते हैं। तो भाई खाना खा के मैं अपनी शॉप पर आ गया हूँ, और भाई जो मौसम खराब था ना वो अभी थोड़ा सा सुधरा हुआ है क्योंकि धूप देवता प्रकट हो गए हैं। और जब धूप आती है ना भाई, तो भाई मौसम माहौल का रंग ही बदल जाता है, और वाटरफॉल कुछ इस तरीके का रहा, बहुत ही लाजवाब खूबसूरत सा लग रहा है। और महादेव यहाँ पे हैं। तो भाई आज का मौसम आपको कैसा लगा, क्योंकि हमारे यहाँ क्या रहता है ना, पल भर में ही मतलब मौसम चेंज हो जाता है, बदल जाता है, पता ही नहीं रहता कि कब क्या होगा। इसलिए कहते हैं कि मुंशहरी का मौसम और बम्बई का फैशन कब चेंज हो जाए पता नहीं रहता, तो कुछ इस तरीके का। और मौसम और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत सा अभी आपको देखने को मिल रहा होगा, और धीरे धीरे शाम का समय है तो भैया अभी धूप भी थोड़ी देर बाद ढल ही जाएगी, और उसके बाद होगा भैया जिसने भी करवा चौथ का व्रत वगैरह रख रखा है ना, तो उसके वो वाला फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लोगों का चंद्रमा का इंतज़ार। काफ़ी लोग तो भैया फंस झस के तैयार होके बैठे भी होंगे, तो मैंने रखा ही नहीं रखा है, वो आपको बाद में पता चलेगा, थोड़े थोड़े टाइम में पता चलते रहेगा कि गीता ने फास्ट रखा है या नहीं रखा है, करके मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि भाई लेवल बना रहना चाहिए। नहीं हुआ तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अगर अब रोशनी है कल से कुछ ज्यादा, अभी है शाम का समय और रात भी हो चुकी है धीरे धीरे, और अभी अब हम कर रहे हैं भैया किले को क्लोज, और अभी जो नज़ारा आपको देखने को मिलेगा ना बहुत ही खूबसूरत लाजवाब है, क्योंकि भाई पार साइड को ना पूरे के पूरे लाइट जले हुए, तो बहुत ही खूबसूरत अच्छा लग रहा है। ये देखो भाई क्या मस्त लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई सिंगापुर पहुंच गया हूँ। देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे लाइट लग रही है, भयंकर वाला है। और इस वाले एरिया पे भी सब लाइटिंग हो रखी है, और ठीक सामने है बिरथी वाटरफॉल जो कि अब अंधेरा होने के कारण दिख नहीं रहा है। तो आज है भैया करवा चौथ है, तो हमें फटाफट घर भी जाना पड़ेगा, तो घर में क्या तैयारियां की हैं वो फिर दिखाएंगे आपको। तो भैया फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं, और घर में पहुंचते ही देखा कि यहां पर तो मस्त मस्त खाना बना है, बिल्कुल नई नई सब्जी बनाई गई है। तो यार भैया आज था करवा चौथ, तो व्रत रखा नहीं रखा मैं बताता हूँ, ठीक है। ये देखो ये चंदा मामा आए नहीं है और खाना सामने है। तो गीतली ने व्रत नहीं रखा क्योंकि गीतली करवा चौथ का व्रत नहीं रखती है, ये पुनियो का व्रत रखती है। हाँ बात तो सही है, कोई नहीं मानता इसको। अच्छा पंजाबियों का त्योहार होता है। अच्छा पंजाब में, हाँ पंजाब में बहुत तरीक बहुत मनाते हैं। तो हम पहाड़ियों का भाई करवा चौथ का व्रत नहीं होता है, हम पहाड़ियों का होता है, पुनियो का व्रत होता है, मंगलवार का व्रत होता है, छंजर बार का व्रत रखते हैं हमारे पहाड़ में। पुनियो का व्रत अलग होता है। तो
इस खूबसूरत से ब्लॉग के साथ आज के इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और भैया आप सभी को एक बार फिर से करवा चौथ की आपको ढेर सारी बधाइयां। और मैं बोल रहा हूँ तो ज्योति देखो कैसे देख रही है मुझे, ये क्या देखा पापा मेरे को ऐसे क्या कर रहा है करके। अच्छा हंसने लग गई ना। तो चलो इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नई ब्लॉग पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अटक झटक पहाड़ से यूट्यूब चैनल। हाँ जी अटक पटक आती देखिए ना। बाय दोस्तों।